मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार ने खजाना खोल रखा है। ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ आदि प्रतियोगिताओं में पदक विजेता प्रदेश के खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति दी जा चुकी है, तो साथ ही इन प्रतिस्पर्धाओं के पदक विजेताओं पर लाखों करोड़ों रुपए की धन वर्षा भी की जा रही है। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर मंगलवार को आयोजित परंपरागत कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजयी पहलवानों को पुरस्कृत करने के पूर्व उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया अभियान से गांव-गांव खेल और खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन मिला है, उसका परिणाम है कि आज हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके तहत हर गांव में खेल के मैदान व ओपन जिम विकसित किए जा रहे हैं। जिला स्तर पर स्टेडियम व मिनी स्टेडियम बने हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 77 स्टेडियम, 68 बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स हॉल, 39 तरणताल, 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, 14 सिंथेटिक हॉकी मैदान, 36 जिम, 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, 19 डोरमेट्री, 16 बास्केटबॉल स्टेडियम, 11 कुश्ती हॉल, 11 वेटलिफ्टिंग हॉल बनाए जा चुके हैं। 3 स्पोर्ट्स कॉलेज व 44 क्रीड़ा छात्रावासों के जरिए 16 प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का भत्ता 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1994 से स्पोर्ट्स हॉस्टल के खिलाड़ियों के व्यय राशि को रिवाइज नहीं किया गया था। खिलाड़ियों की डाइट मनी 250 रुपये से बढ़ाकर 375 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो, इसके लिए 1.5 लाख रुपए के मानदेय पर 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को बतौर प्रशिक्षक रखने की स्वीकृति दी गई है। खिलाड़ियों के लिए अनुदान राशि में बढ़ोतरी करने के साथ ही एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की गई है। खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली 2020 को प्रख्यापित करते हुए इस वित्तीय वर्ष में 8.55 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जिला स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए 5 लाख तथा मंडल स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए राज्य सरकार 15 लाख रुपए का अनुदान दे रही है। मेरठ में प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का निर्माण त्रिविगति से हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक जिला एक खेल योजना के तहत खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में दिव्यांग खिलाड़ियों को भी हर प्रकार की सुविधा व सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ में पदक विजेता प्रदेश के खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्ति देने की स्वीकृति राज्य सरकार ने प्रदान कर दी है। इसके साथ ही इन पदक विजेताओं को भारी पुरस्कार राशि दिए जाने की व्यवस्था की गई है। ओलंपिक एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडलिस्ट को 6 करोड़, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ तथा कांस्य पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ओलंपिक की टीम स्पर्धा में यह राशि क्रमशः 3, 2 व 1 करोड़ होगी। एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ तथा कांस्य पदक विजेता को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। कॉमनवेल्थ खेल तथा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़, रजत पदक विजेता को 75 लाख व कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह सैफ खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता को 6 लाख, रजत पदक विजेता को 4 लाख तथा कांस्य पदक विजेता को 2 लाख रुपए मिलेंगे। टीम स्पर्धा में यह धनराशि क्रमशः 2 लाख, 1 लाख और 50,000 रुपए होगी। सीएम योगी ने बताया कि ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 10 लाख तथा एशियन गेम्स व कॉमनवेल्थ में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल रत्न व खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकार ने प्रति माह 20,000 रुपए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की है। इसके साथ ही संकट में आए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपए, राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 6,000 तथा राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को प्रति माह 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की।
की गई है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पुरुष वर्ग में लक्ष्मण पुरस्कार तथा महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार देती है। इसके तहत लक्ष्मण जी व रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा के साथ खिलाड़ियों को 3.11 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। सीएम योगी ने कहा कि कुश्ती प्राचीन काल से भारतीय शौर्य व पराक्रम के प्रदर्शन का माध्यम रही है। रामायण काल में बजरंगबली से लेकर महाभारत काल में भीम तक के पराक्रम को हम सभी जानते हैं। आधुनिक काल में भी हमारे पहलवानों ने वैश्विक मंच पर देश को नई पहचान दी है। वर्तमान में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भी कुश्ती में बेहतर सफलता मिलती दिख रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि गाँव, न्याय पंचायत, ब्लॉक व तहसील स्तर पर भी कुश्ती की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। इससे खेलो इंडिया के अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो आदि की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो सकती हैं। उन्होंने सभी को नागपंचमी पर्व की बधाई देते हुए कहा कि नाग शक्ति के देवता हैं। हम सबके अंदर भी कुंडलिनी की शक्ति होती है। यह पर्व हमें इसी शक्ति के जागरण का स्मरण दिलाता है। नागपंचमी भारतीय परंपरा में जीव जंतुओं के प्रति अनुराग, मैत्री व करुणा का भाव प्रदर्शित करने का भी माध्यम है। कुश्ती प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खेल प्रेम के सभी मुरीद हो गए। सीएम योगी ने गोरखपुर वीर अभिमन्यु, गोरखपुर कुमार व गोरखपुर केसरी खिताब के लिए फाइनल मुकाबले का अवलोकन किया और ताली बजाकर पहलवानों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने गोरखपुर केसरी का खिताब जीतने वाले भगत सिंह यादव, गोरखपुर कुमार का पुरस्कार जीतने वाले अनिल यादव, गोरखपुर वीर अभिमन्यु पुरस्कार जीतने वाले जनार्दन यादव को गदा व नगद पुरस्कार प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने इन तीनों खिताबों के लिए उपविजेताओं को भी मंच पर बुलाकर पुरस्कृत किया। इस अवसर पर विधायक राजेश त्रिपाठी, डॉक्टर विमलेश पासवान, विपिन सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद, हॉकी यूपी के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश, जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष अरुणेश शाही समेत बड़ी संख्या में खेल प्रेमी अधिकारी व गणमान्य जन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान राकेश सिंह पहलवान एवं गोरखपुर केसरी का खिताब जीतने वाले भगत सिंह यादव और जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह ने कहा, और अब कृष्ण और चारू और मुस्सी तथा बलराम के मल्लयुद्ध का उल्लेख मिलता है। अर्थात चाहे वो त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, प्रत्येक जगह कुश्ती हमारी सारी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी हुई है, हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई है। और इस हमारी संस्कृति को, भारतीय परंपरा को चार चार लगाते हुए, इसको प्रोत्साहित करते हुए युवाओं को आशीर्वाद ईश्वर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी। और आज अभिमन्यु जिला कुमार और जिला केसरी का फाइनल मुकाबला और सत्येंद्र यादव के बीच जिला कुमार के लिए छात्रावास के अनिल और यानी रेलवे के आशुतोष के भी तथा जिला केसरी के लिए इस मुकाबला होगा। और एक रोचक मुकाबला जो दो दिनों से हम सभी देख रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री धीरेन्द्र सिंह जी, संयोजक साई जी और तत्पश्चात श्री धीरज गणेश जी, आदरणीय श्री धीरज सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूँ प्रस्ताव की और अतिथि स्वागत के लिए संक्षिप्त स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित आप सभी उत्साह वर्धन करते रहे, जितना तालियां बजेंगी उतनी अच्छी कुश्ती देखने को मिलेगी आपको। आपकी तालियों से खिलाड़ियों के रेखा शुंग के मैदान जनार्दन कृष्णा नगर में 4 अंक
अपने खाते में अंकित किया, दो अंक सत्येंद्र ने भी अच्छा मुकाबला किया। दोनों पहलवानों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले मुकाबले के लिए कीरा कुमार के लिए श्री आशुतोष को मैं सादर आमंत्रित करता हूं और रेफरी महोदय से अनुरोध है कि अभिनव निर्णायकों को पंडाल के अंदर तीनों पहलवानों के बीच देखने को मिलेंगे। अनिल छात्रावास रेड कास्ट्यूम और आशुतोष यादव रेलवे स्टेडियम ब्लू कास्ट्यूम। क्या मुकाबला हो रहा है? निश्चित रूप से यहाँ पर जो सभी नियम अपनाए गए वो राष्ट्रीय स्तर के ही है। आपका हीरा कुमार का ये फाइनल मुकाबला एक अंक रेड कास्ट्यूम के पहलवान को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ले चलती हुई प्रतियोगिता। इनके अंदर ऊर्जा तभी आएगी जब आपकी तालियां बजेंगी और जितनी अच्छी तालियां हीरो कड़ा मुकाबला इतने देरों से चल रहा है। पहले राउंड की समाप्ति, दूसरे राउंड की प्रगति पर स्कोर अभी भी 1-0। बहुत ही कड़ा संघर्ष। सुंदर तरीके से आता है उतनी ही बढ़िया चीज है। बचाओ आक्रमण और बचाव का बेहतर नमूना दोनों पहलवानों द्वारा और ये शानदार कृपी गोरखपुर कुमार के लिए एक अंक के लिए बड़ी दोनों पहलवानों के बीच जो भी प्रोटेस्ट करना है बाहर से करें, हमें कृपया प्रतियोगिता शुरू कराएं। प्रतियोगिता जिला केसरी के लिए भगत सिंह यादव रेलवे और सौरभ यादव स्पोर्ट्स कॉलेज जिला केसरी के लिए मुकाबला भगत सिंह का एक परिचय बता दें। यही वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर कुश्ती प्रतियोगिता के ही बल पर रेल में नौकरी पाए। और तकनीकी का संगम के पहलवान भगत का 4 अंक और ब्लू के 0 दो अंक और 0 बहुत बढ़िया। अगर पहलवान ने पकड़ बनाई उतनी ही चपलता से अपने आप को बचाते हुए सौरव स्पोर्ट्स कॉलेज शानदार ग्रिपिंग। भगत और सौरव के बीच एक कड़ा मुकाबला हो चुके हैं अंतिम मिनट में कुश्ती चलती हुई। स्कोर 1-0। Thank you.
अनुभव का अच्छा इस्तेमाल करते हुए भगत सिंह यादव और उतनी अनुभव यादव सूची है और गोरखपुर भी भगत सिंह यादव कृपया मंच पे आ जाए। और अनिल यादव जनार्दन यादव भी मंच के सामने आकर अरे अरे पीछे चलिए पीछे चलिए पीछे चलिए के हाथों पुरस्कार प्राप्त करते हुए और इसके पश्चात अभिमन्यू में सत्येंद्र यादव द्वितीय स्थान माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी डॉक्टर पिंद्रेश पासवान जी माननीय विधायक श्री बिपिन सिंह जी कालीबाड़ी के मोहन जी कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री दिनेश सिंह जी कबड्डी संघ के अध्यक्ष अमरेश शाही जी कालीबाड़ी के मोहन जी चेशाई गांव के मोहन श्री पंचानंद पुरी जी प्रमुख समाज सेवी श्री प्रमोद चौधरी जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी हमारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के पहलवानगण अन्य प्रतिभागीगण और सभी उपस्थित दर्शक के रूप में उपस्थित भाइयों बहनों मैं सबसे पहले आप सभी को माँ पंचमी की हृदय से बधाई देता हूँ। हम सब जानते हैं कि नाग पंचमी का पर्व भारत की परंपरा में जीव और जंतु के प्रति भारतीय संस्कृति के अनुराग और उनके प्रति हम सब के मैत्री और करुणा के भाव को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। गोरखनाथ मंदिर में नाग पंचमी के अवसर पर स्थानीय स्तर के सभी पहलवान उपस्थित होकर के इस कुश्ती प्रतियोगिता के साथ यहाँ पर सहभागी बनते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर कुश्ती संघ मिलकर के इस कार्यक्रम को अत्यंत रोचक बनाने में इतना योगदान देता है।
रुचि को देख रहा था। अत्यंत हम सब जानते हैं कि आज से नहीं बल्कि कुश्ती जैसे आयोजन प्राचीन काल से ही भारत के अंदर भारत के पराक्रम को शौर्य को प्रदर्शित करने का एक माध्यम रहे हैं। बजरंग बली से लेकर के और भीमसेन का जिक्र महाभारत के कालखंड में हम सब जानते हैं सुनते हैं। आधुनिक कालखंड में भी अनेक ऐसे पहलवानों ने वैश्विक मंच पर और राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी पहचान के माध्यम से गोरखपुर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को, प्रदेश को और देश को एक नई पहचान दी है। आप देख रहे होंगे इस समय राष्ट्रमंडल के खेल चल रहे हैं और उसमें भी भारत के जो खिलाड़ी हैं रेसलिंग में उनको सर्वाधिक अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस सफलता के पीछे खिलाड़ियों की अपनी रुचि और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से गांव गांव तक खेलकूद की प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी रुचि के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, इन कार्यक्रमों में सहभागी बन रहे हैं, कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, कहीं पर राष्ट्रीय स्तर की, कहीं प्रादेशिक स्तर पर, कहीं स्थानीय स्तर की प्रतियोगिताओं के माध्यम से उसके पीछे अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन का भाव है। और गोरखपुर का नाग पंचमी के दिन मंदिर परिसर में इस कुश्ती का आयोजन अपने आप में गोरखपुर के खिलाड़ियों के लिए, खासतौर पर पहलवानों के लिए एक नया मंच उन्हें प्रदान करता है, जिसमें गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार और वीर अभिमन्यु तीन उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन यहां पर इस अवसर पर होता है। मुझे प्रसन्नता है गोरखपुर कुश्ती संघ स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के इस प्रतियोगिता को अनेक प्रकार से रोचक बनाने में अपना योगदान दे रहा। आप सब जानते हैं कि आप प्रदेश के अंदर खेल के प्रति गांव गांव में एक रुचि जागृत हो इसके लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। हर गांव में खेल का मैदान हो, हर खेल के मैदान के साथ ही ओपन जिम का निर्माण भी हो, हर जिला मुख्यालय पर स्टेडियम का निर्माण हो, मिनी स्टेडियम के निर्माण हो, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश में अब तक 77 स्टेडियम, 68 बहुदेशीय 39 तरणताल, 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 18 छात्रावास भवन, 14 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, 2 जूडो हॉल, 36 अत्याधुनिक जिम उपकरण, 6 शूटिंग रेंज, 11 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 19 डॉर्मेट्री, 2 इंडोर वॉलीबॉल हॉल, 16 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 11 कुश्ती हॉल, 11 वेट लिफ्टिंग हॉल, इन सब का निर्माण किया जा चुका है। प्रदेश में वर्तमान में 3 स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर एवं इटावा में संचालित किए जा रहे हैं। 44 आवासीय क्रीड़ा छात्रावास का संचालन भी प्रदेश के नौजवानों के लिए प्रदेश सरकार वर्तमान में संचालित कर रही है। इन छात्रावासों में 16-18 जनपदों में 16 खेलों से संबंधित प्रशिक्षण भी कुशलतापूर्वक उपलब्ध करवाने का कार्य होगा। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने वाले
प्रदेश के टीम के खिलाड़ियों को जो उपलब्ध कराए जाने वाली खेल फिट की राशि को आप 1,000 रुपए से बढ़ा करके 2,500 रुपए करने आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के खिलाड़ियों को 7 मदों के लिए भोजन शिक्षा खेल चिकित्सा फर्नीचर उपकरण प्रतियोगिता पर होने वाले व्यय में बढ़ोतरी के लिए जिसका 1994 से कभी भी जिसको रिवाइज नहीं किया गया था आज हमने इसमें बढ़ोतरी करके आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में जो टाइट मनी है इसे 250 से बढ़ा करके 375 रुपए प्रतिदिन प्रदेश सरकार ने किया है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने वाले प्रदेश के सीनियर जूनियर सब जूनियर टीमों की भांति ही मिनी कैडेट यूथ वर्ग के प्रदेशीय टीमों को भी विशेष प्रशिक्षण शिविर किट और रेल भाड़े की प्रतिपूर्ति की सुविधा भी सरकार वर्तमान में प्रदान कर रही है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए भी 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1,50,000 रुपए प्रतिमाह के मानदेय पर प्रशिक्षण हेतु आबद्ध करने की स्वीकृति सरकार ने प्रदेश के अंदर दी है। प्रदेशीय क्रीड़ा संघों क्लबों समितियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अनुदान की राशि में भी सरकार ने बढ़ोतरी की है। खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और संवर्धन हेतु एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत खिलाड़ियों को फेलोशिप ओलंपिक गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड कप आदि प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को तैयार करने हेतु भी अनुदान और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था इस एकलव्य क्रीड़ा कोष के माध्यम से प्रदेश सरकार ने की है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर खेल के विकास और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश खेल विकास और प्रोत्साहन नियमावली 2020 प्रदेश सरकार ने प्रख्यापित की है जिसमें प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ियों के लिए हम लोगों ने तहसील जिला और मंडल स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन की व्यवस्था दी है और वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने इस कार्य के लिए 8,55,00,000 रुपए की धनराशि की व्यवस्था की है। तहसील स्तर पर प्रतियोगिता के आयोजन के लिए 60,000 रुपए जिला स्तर पर प्रतियोगिता के लिए 5,00,000 रुपए मंडल स्तर पर प्रतियोगिता के लिए 15,00,000 रुपए की व्यवस्था का आवंटन भी राज्य सरकार ने वर्तमान में किया है। पहली बार राज्य सरकार ने प्रत्येक जनपद में भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की भी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य खिलाड़ियों की भांति दिव्यांगजन खिलाड़ियों के लिए भी समस्त शासकीय सुविधा वर्तमान में हम लोग प्रदान कर रहे हैं। खेल और खिलाड़ियों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ में बनाने का निर्णय लिया और उस पर कार्य भी हमारा प्रारंभ हो गया है। अंतरराष्ट्रीय खेलों ओलंपिक गेम्स में कॉमनवेल्थ गेम्स विश्व कप विश्व चैंपियनशिप एशियन गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की नियमावली भी हम लोगों ने प्रदेश में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में ओलंपिक गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम्स विश्व कप और सेफ गेम्स में भी उत्तर प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार की व्यवस्था भी राज्य सरकार ने की है। स्वर्ण पदक ओलंपिक में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़ रुपए रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए एकल वर्ग में प्रदेश सरकार वर्तमान में प्रदान कर रही है। ओलंपिक गेम्स टीम गेम में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़ रजत पदक पर 2 करोड़ कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी हम लोग वर्तमान में दे रहे हैं। स्वर्ण पदक पर 3 एशियन गेम में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़ रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75,00,000 रुपए पुरस्कार की राशि भी हम लोग वर्तमान में उपलब्ध करा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में
स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख की व्यवस्था भी राज्य सरकार दे रही है। और विश्व कप प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए का पुरस्कार, सेफ गेम्स में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 लाख, रजत पदक पर 4 लाख, कांस्य पदक पर 2 लाख रुपए, और टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 2 लाख, रजत पदक पर 1 लाख और कांस्य पदक पर 50,000 रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने वर्तमान में प्रदेश के सभी उदयमान खिलाड़ियों को हम लोग वर्तमान में प्रदान कर रहे हैं। ओलंपिक गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों की प्रतिभा किए जाने पर प्रोत्साहन स्वरूप 10-10 लाख रुपए का कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में प्रतिभा करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान करने की व्यवस्था राज्य सरकार ने बनाई है और उसको हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार एशिया कप, एशियन सीनियर चैंपियनशिप, यूथ ओलंपिक गेम्स, यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स, जूनियर विश्व कप, एशियन चैंपियनशिप और राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर जूनियर सब जूनियर मिनी यूथ और कैडेट पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु भी नगद पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था राज्य के अंदर वर्तमान में है। प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नगद पुरस्कार के खिलाड़ियों को प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार पुरुष वर्ग में लक्ष्मण पुरस्कार और महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित हम लोग कर रहे हैं, जिसमें लक्ष्मण और पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों को लक्ष्मण जी की या रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा के साथ ही प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 3,11,000 रुपए की नगद धनराशि भी प्रदान करने की व्यवस्था है। सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और खेल के क्षेत्र में पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को 20,000 रुपए प्रतिमा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। प्रदेश के खिलाड़ियों के कल्याणार्थ चलाई जाने वाली योजना के अंतर्गत दीर्घ अशक्त और विपदाग्रस्त राज्य स्तर के खिलाड़ियों को 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10,000 रुपए प्रतिमा वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार वर्तमान में प्रदान कर रही है। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली ये सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ हमारे सभी उदयमान खिलाड़ी भी अपने निरंतर प्रयास और परिश्रम से प्राप्त करेंगे। आज यहाँ पर गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार और वीर अभिमन्यु इन 3 प्रतियोगिताओं का जो आयोजन करके गोरखपुर कुश्ती संघ ने सफलतापूर्वक इस आयोजन को नागपंचमी के अवसर पर किया। नागपंचमी का मतलब नाग शक्ति का देवता माना जाता है और प्रत्येक मनुष्य के अंदर भी एक कुंडलिनी शक्ति होती है, जिसको अंग्रेजी में सरपेंट पावर भी कहते हैं। और कुंडलिनी शक्ति, और मुझे लगता है हमारे खिलाड़ी जब यहाँ पर पहलवान आकर के यहाँ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके और खेल के नियमों का पालन करते हुए इस प्रकार के आयोजन में सहभागी बनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह न केवल खेल के प्रतियोगी के अनुराग को बल्कि अपने पर्व और त्योहारों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भी उनके भाव को प्रदर्शित करने का एक उचित मंच प्राप्त होता है। मैं यहाँ पर गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार और वीर अभिमन्यु के लिए चयनित 3 अपने खिलाड़ियों को, जिन्होंने आज सफलतापूर्वक अपने अपने मैच में सफलता प्राप्त की, मुझे बताया गया कि यहाँ पे 90 जोड़े कुश्ती के आयोजन हुए थे और 90 जोड़े में 3 उत्कृष्ट खिलाड़ी और उनके रनरअप भी 3 यहाँ पर शामिल हुए हैं। उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि गोरखपुर कुश्ती संघ आने वाले समय में नागपंचमी के इस आयोजन के पहले प्रयास करें कि 15 दिन या 1 महीने पहले गांव-गांव में कुश्ती का आयोजन पहले हो, फिर वहां न्याय पंचायत स्तर पर हो,
स्तर से ब्लॉक स्तर का हो, ब्लॉक स्तर से फिर उसे हम लोग तहसील स्तर पर या विधानसभा स्तर पर करें, और विधानसभा स्तर के बाद जो उत्कृष्ट जोड़े निकले उनकी प्रतियोगिता का आयोजन फिर नागपंचमी के अवसर पर यहाँ पर हो, अच्छी एक सम्मानजनक धनराशि के पुरस्कार के साथ अगर एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो गांव गांव में खेलो इंडिया खेलों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में और अच्छी मदद मिलेगी। और मैं चाहूंगा ऐसे ही कबड्डी की प्रतियोगिता के लिए वॉलीबॉल फुटबॉल खो खो या फिर क्रिकेट की प्रतियोगिता हो, अन्य जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं, इन सबको हमें इसी प्रकार से प्रोत्साहित करके एक मंच देना चाहिए। आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में जो भी महानुभाव और जो भी हमारे पुरातन खिलाड़ी उपस्थित हुए हैं उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, विजेताओं को हृदय से बधाई देता हूं। जो लोग अपने फाइनल मैच में कहीं विजेता नहीं बन पाए लेकिन अच्छा प्रदर्शन करके उन्होंने यहाँ पे अपने प्रदर्शन से लोगों को आश्चर्यचकित किया है, उनके प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हुए आगामी प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर सके इसके लिए उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सबको एक बार फिर से मैं इस मंच में हृदय से बधाई देता हूं। और बधाई देने के साथ ही मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी यहां पर क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में है और एमएनसी के लिए आप उनका भी चयन प्रदेश के अंदर हुआ है, इसके लिए उन्हें भी हृदय से बधाई देते हुए आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है, हमारी बड़ी प्राचीन परंपरा है। लोग बाग पहले पूरे साल भर तैयारी करते थे और नागपंचमी के दिन कुश्ती लड़ते थे, और आज से पहलवानों का दिन शुरू होता है, आज से देहातों में दंगल प्रतियोगिता ये सब शुरू होते हैं, कंपटीशन शुरू होते हैं। तो नागपंचमी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जो आयोजित होता है, तो यहाँ गोरखपुर के पहलवान यहाँ त्यौहार मनाने आते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं और यहाँ से फिर ये जाते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करते हैं। और आज महाराज जी की उपस्थिति, महाराज जी तो पहले भी यहाँ पर उपस्थित रहते थे लेकिन आज मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थित रहे तो इससे पहलवानों का और हौसला बढ़ा है, और जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उससे खेल का बहुत ही विकास होगा, कुश्ती का विकास होगा। निश्चित ही उनकी दूरगामी सोच है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि गांव से शुरू हो, न्याय पंचायत और ब्लॉक और तहसील से छन के पहलवान गोरखपुर तक आए, तो इसमें तो पहलवान इतने अच्छे अच्छे आएंगे कि पहलवानों को तैयारी करने का और सारी सुविधा, बहुत पहलवानों का और सभी खेल का भविष्य उज्ज्वल है। पहले कुश्ती मिट्टी में होती थी, अब कुश्ती गद्दे पर हो गई है, तो मिट्टी की कुश्ती ये हमारी भारत की परंपरा थी, भगवान कृष्ण से लेकर के और जरासंध भीम सबके समय में ये कुश्ती थी। गद्दा अब ये टेक्निक बदलती जा रही है युग और समय के अनुसार, अब कुश्ती फास्ट हो गई है, कुश्ती का बहुत विकास हुआ है, खेल का विकास हुआ है और विकास दिन प्रतिदिन होगा। हम लोगों को खिलाड़ियों को विश्वास है कि उनकी हमेशा ही सकारात्मक खिलाड़ियों के प्रति रुचि रही है, सोच रही है, और वो निश्चित ही खेल को बढ़ावा मिल रहा है इस समय। भगत सिंह यादव, अभी कितने खिलाड़ी का आपने कुश्ती लड़ा था फाइनल में? फाइनल में पहुँचने 5 खिलाड़ी है। चलो ना, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आज? अच्छा लगा, अच्छा लगा। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कुछ नहीं। इसमें इस प्रतियोगिता में 90 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और 90 खिलाड़ियों के बीच ये गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार और गोरखपुर वीर अभिमन्यु प्रतियोगिता पे हुई है, जिसमें हमारे 3 बच्चे गोरखपुर केसरी, गोरखपुर वीर अभिमन्यु और गोरखपुर कुमार हुए हैं। लेकिन इस प्रतियोगिता में करीब 8 बच्चे ऐसे थे जो नेशनल के गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बल्कि नेशनल में मेडलिस्ट थे, कोई अंडर 17, कोई अंडर 15, कोई अंडर 23, कोई मिट्टी के अखाड़े का, लेकिन नेशनल में मेडलिस्ट थे ये। गोरखपुर वीर अभिमन्यु के लिए 50 से 60 किलो वजन के बीच जो प्रतिभागी थे उनका था, और 60 से 70 किलो के बीच में जो थे उनका गोरखपुर कुमार था, और जो 70 किलो से ऊपर के थे उनका गोरखपुर केसरी के लिए चुना गया। ये एक्चुअली गोरखनाथ मंदिर में बहुत ही प्राचीन काल से नागपंचमी के दिन कुश्ती और तैराकी हुआ करता था। महाराज जी ने करीब 20 वर्ष पहले हमको ये दायित्व दिया उन्होंने कि यहाँ पे आप
कुश्ती का देख रेख कराई है। तो हमने उसको दंगल के स्वरूप को बदल कर चैंपियनशिप करवाया, हमने कंपटीशन करवाया और कंपटीशन का फल आज आप देख रहे हैं कि इसमें जो बच्चे प्रतिभाग किए हैं उसमें करीब हमारे 8-10 बच्चे ऐसे थे जो नेशनल लेवल के प्लेयर थे। इतनी बड़ी प्रतियोगिता में जो विजेता होता है उसके लिए बहुत बधाई, लेकिन जो हारता है और जो उपविजेता होता है उसके लिए भी बधाई, क्योंकि वो इतनी बड़ी प्रतियोगिता में शिरकत करके उसने मान बढ़ाया और गद्दे पर वो कुश्ती लड़ा।